पेपर टू जेई एडवांस 2023 का अब हम डिस्कशन चालू करने वाले यहाँ पे। पहला सेक्शन जिसमें सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चंस थे उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है हमारे सामने वो देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन ओवर हियर। फंक्शन दे रखा है आपको 1, ∞ to R, बी डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट F1 की वैल्यू दे रखी है 3 और एक इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन, उसमें इंटीग्रल वगैरह भी इन्वॉल्व है। ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम देन द वैल्यू ऑफ FE, ये सब पूछा है आपसे। किस तरह से हैंडल करेंगे हम इस सवाल को देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उससे हमारा टारगेट सबसे पहले fx निकालना होना चाहिए। सो 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 to x ft dt इज गिवन टू बी इक्वल टू xfx - x³/3। दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट? x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी है, दिस इज गिवन, राइट? अच्छा, और f1 की वैल्यू 1/3, इनिशियल कंडीशन कुछ दे रखी है, बट बिफोर वी वांट टू दैट कंडीशन सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट दिस। दिस इज 3 टाइम्स f(x) इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 fx प्लस x टाइम्स f'(x) - x²। दिस इज व्हाट वी गेट, राइट? अच्छा, फिर क्या करेंगे? x f' x, इसको थोड़ी देख ले, मैं x dy/dx लिखना चाहता हूँ। x dy/dx fx, ये बाकी सारी की सही टर्म्स अलग तरह, ये टर्म इधर लेके आ जाते हैं -2 f(x), जिसकी जगह f(x) की जगह क्या आ गया, अभी हमने रख दिया f(x) की जगह y इज इक्वल टू x²। यहां पे y इज इक्वल टू f(x). दिस इज व्हाट वी हैव डन। क्यों इस फॉर्म में लिखने का क्या फायदा? अब देखिए, आप यहां पे बहुत ही आराम से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है जिसको आप सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए ध्यान से, x से अगर मैं डिवाइड कर दूं थ्रू आउट, दिस बिकम्स x एंड दिस बिकम्स दिस x²/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e∫ -2/x dx, विच इज e∫ ln x। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट यू गेट, विच इज इक्वल टू |x^(-2)/|x², विच इज x²। दिस इज वॉट यूल बी गेटिंग, राइट? बहुत आराम से मिल जाता अपने को, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन क्या हो जाता है? देयरफॉर y times 1/x² = ∫ x²/dx, which is nothing but 1/x dx, which implies y times 1/x² = 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ln |x + c। बाय द वे, x की वैल्यू आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखी है, तो मॉड x की जगह आप सिंपली x पे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू गेट। एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है क्या, कि भाई x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 1/3 आ जाती है, तो x = 1 पुट करा, y = 1/3 मिलता है। दिस इंप्लाइज दैट 1/3 times 1/1² = ln 1, विच इज 0 + c, एंड दैट टेल्स मी c = 1/3। c की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 1/3। अच्छी बात है, c की वैल्यू अगर 1/3 दे दिए, तो अभी आप क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू हो जाएगी x² (ln x) + 1/3 (again x²). दिस इज द वैल्यू ऑफ y, विच इज माई फंक्शन f(x). और वैल्यू किस चीज की पूछी अब? Value of FE is being asked, therefore FE will be simply e² (ln e) = 1 + 1/3 e² which is 1 + 1/3 = 4/3 e². That's the final answer for this particular question, that is option C over here. More or less direct question, बहुत ज़्यादा typical कुछ नहीं है इसमें, except for the first step में आपको differentiate करके differential equation form कर लेनी है। हाँ, calculations का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आराम से आपको answer मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कई बार पूछा है जी एडवांस में, और मोर और लेस कई बार इससे डिफिकल्ट और कभी कभार इससे आसान क्वेश्चंस भी पूछते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी सिंपल क्वेश्चन कहेंगे अपन इसको, बट इनिशियल फ्यू स्टेप्स, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक आपने बनाई नहीं तब तक थोड़े से मुश्किल है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। तो डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन अ स्केल ऑफ 10 वुड बी 5। मॉडरेट क्वेश्चन, 2-3 स्टेप्स इसमें इंपॉर्टेंट है, काम के हैं, इसलिए difficulty rating of 5. That would be all in this question. बढ़ेंगे अगले question की ओर, probability के ऊपर based एक बहुत ही मजेदार सवाल। क्या है सवाल, देखते हैं। Consider an experiment of tossing a coin. Tossing a coin आपने किया है,
इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आपने किए हैं पहले, नोट्स का भी पार्ट है इस तरह के क्वेश्चंस। रिपीटेडली अंटिल द आउटकम्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज। अच्छा, तो आपको दो कंसेक्यूटिव टॉसेस हेड चाहिए, सबसे पहली बात दो कंसेक्यूटिव टॉसेस हेड चाहिए, तो आपको किस तरह का आउटकम क्या आना चाहिए, बेसिकली क्या क्या सीरीज हो सकती है जिसमें हेड्स पे चीज खत्म हो रही हो, या तो पहले दोनों हेड आ जाए या एक टेल आके फिर दो हेड आ जाए, दो के बाद तीन पे खत्म हो जाए, चार पे खत्म होगा तो बाद के दोनों हेड होंगे। अच्छा, पहले दो कंसेक्यूटिव टेल नहीं आ सकते और इधर इधर टेल आना जरूरी है, फिर बाद में ये कुछ इस तरह का काम होना चाहिए, राइट। फिर अगर मान लीजिए पांच टॉस की जरूरत पड़ रही है तो हेड हेड, और उससे पहले क्या होगा, उससे पहले जस्ट पहले टेल, अगला अगर पहले टेल आ गया तो यहीं पे खत्म हो चुका, तो यहां पे हेड आना चाहिए और इससे पहले टेल, तो पहले उसके पहले सब अल्टरनेट चलेगा। हां, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लास्ट टू शुड बी हेड समथिंग ऑफ द सॉर्ट, फिर हेड हेड टेल हेड टेल हेड समथिंग ऑफ द सॉर्ट, कुछ इस तरह की कहानी चलेगी। बाय द वे, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 2/3, ऑटोमेटिकली यहां से पता चलता है मुझे, प्रॉबर्टी ऑफ हेड दे रखा है, प्रॉबर्टी ऑफ टेल ऑटोमेटिकली यहां से पता चल जाती है। तो उसने कहा ये इस तरह से कंटिन्यूअसली अगर मैं चलता जाऊं तो इन सब की प्रॉबर्टीज का सम मुझे निकालना है, इस केस में टॉस का हेड पे खत्म होने वाला है, राइट। अच्छा, हेड हेड मतलब 1/3 × 1/3, दिस इज 2/3 × 1/3 × 1/3, दिस 2/3 × 1/3 × 1/3 जस्ट मिनट, दिस इज 1/3 × 1/3 × 2/3 × 1/3, दिस इज 1/3 × 1/3 × 2/3 × 1/3 × 2/3, कुछ इस प्रकार पैटर्न कुछ तो बनेगा, हाँ कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनेगा। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, प्लीज ऑब्जर्व, ये एच एच है, ये भी एच एच है, उसके साथ एच टी है, ये एच एच है, उसके साथ एच टी दो बार है। अच्छा, हाँ देखो, 2, 4 और 6 में एक अलग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, सो टोटल प्रॉबिलिटी विल बी, टोटल प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, कह लीजिए हेड हेड की जो प्रॉबिलिटी है इस तरह से, इसका सम अगर मैं निकालूंगा इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। हाँ, फर्स्ट टर्म वुड बी दिस 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो वुड बी दिस एच टी विच इज 1/3 × 2/3 प्लस कुछ और टर्म्स है, माइंड यू इस केस में जब दोनों हेड यहाँ है, दोनों हेड यहाँ पे हैं, तो उसके साथ आपको अगर टी भी कंसिडर कर लें आप थोड़ी देख ले, फिर टी एच का पेयर बन जाएगा, सो टी एच एच उसके पहले टी एच टी एच, दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो टी एच एच पूरा ले ले या तो, या सिंगल एच ले लें टी एच, देखें सिंगल एच ले लें टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच सिंगल एच समथिंग ऑफ द सॉर्ट, तो आप चाहें तो सिंगल एच देख लें या टी एच पूरा देख लें समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, दिस इज 1/3 × 1/3 × 2/3 × 1/3 अपॉन कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो टी और एच का कॉमन रेशियो टी और एच का कॉम्बिनेशन है 1 − 2/3 × 1/3, दिस इज व्हाट यू गेट। तो दोनों अलग अलग सीरीज का सम आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और फिर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज दिस, क्या रहा इसका आंसर, दिस इज 1/9, दिस इज 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 1/9 − 2 = 7 प्लस यहाँ पे क्या रहा है, वंस अगेन यहाँ पे 27 है, 20 मल्टीप्लाई किया 2/27 − 6 = 21, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, 3 + 2 = 5/21, ये फाइनल आंसर आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। एज यू कैन सी, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है, नोट्स में आपके इस तरह का क्वेश्चन मौजूद है और आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, जस्ट दैट प्रॉबिलिटी का क्वेश्चन, कई बार बच्चों घबराते हैं प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन से, बट डिफिकल्टी रेटिंग अगर हम देखें सवाल की क्या रहेगी, डिफिकल्टी रेटिंग विल बी 4, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट वाली रेंज में रहेगा ये सवाल, एंड दैट्स द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की ओर, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है सवाल, देखते हैं यहाँ पे, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट कॉट इनवर्स वाई बिलोंग टू 0, π एंड टैन इनवर्स वाई इस इंटरवल में, स्टैंडर्ड इंटरवल्स अपने दे रखे, देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2π/3 फॉर मॉडुलस ऑफ वाई इज फ्रॉम 0 to 3, माइंड यू तो y आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता इसकी वजह से, और 3 नहीं हो सकता, ये भी उसने मना कर दिया, राइट। अच्छा, तो 9 − y² तो पॉजिटिव है, बट 6y डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ y, y कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ y, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आप देखें ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स ही है, हां तो cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x के टर्म्स में लिख सकते हैं, हां व्हाट्स द रिजल्ट फॉर दैट, cot इनवर्स x इज इक्वल टू या तो tan इनवर्स x हो जाएगा 1/x हो जाएगा,
या tan inverse 1 upon x plus pi हो जाएगा depending upon कि x greater than 0 है या x less than 0 है. x less than 0 होगी इसमें, ये output minus pi by 2 से pi by 2 देगा, लेकिन ये pi by 2 से pi देगा, तो इस केस में pi add करके आपको ये output मिलता है. right. अच्छा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. tan inverse something plus cot inverse something, तो cot inverse something depending upon कि ये expression positive है negative, depending upon कि y greater than 0 या less than 0 है, उसकी वजह से 6y can be positive or negative. And correspondingly, ये अलग-अलग, दो अलग-अलग equations हमें बनती हुई दिख रही हैं इस केस में, right? What are the two equations? Let's take a look at the equations over there. Here, क्या है अपने पास? Tan inverse, t बोल दीजिए इसको थोड़े देख ले. ये t expression क्या है? Tan inverse के अंदर जो ये expression है, plus cot inverse 1 upon t है, हाँ. Cot inverse 1 upon t को मैं tan inverse t की terms में लिख सकता हूँ, simply. Is equal to 2 pi by 3 जब t की वैल्यू greater than 0 है. t greater than 0, that is y is less than 3 greater than 0. इस केस में लिख सकता हूं ऐसा, जब y पॉजिटिव है तब ऐसे लिख सकते हैं. और यहां पे tan inverse t की वैल्यू आ जाएगी, 2 tan inverse t is equal to this, tan inverse t will be pi by 3, या t की वैल्यू tan pi by 3 which is root 3. अब ये t क्या है? T is this expression over here, 6y upon 9 minus y square. उसको लिख लेते हैं. 6y upon 9 minus y square is equal to root 3, या 9 minus y square की value जाएगी 6 upon root 3 which is 2 root 3 y. थोड़ा सा simplify कर लेंगे, y square plus 2 root 3 y minus 9 equals to 0. This is what you'll be getting. अच्छा, 9 दो numbers तो का product जिसका sum 2 root 3 है, क्या क्या हो सकते हैं वो? 9 can be done as 3 into root 3, कुछ ऐसा से लिख सकते हैं, हाँ. अच्छा, 3 root 3 और root 3 का product है क्या ये? Yes, 3 root 3 and root 3 का product है, 3 into 3 9 हो जाएगा. 3 root 3 minus root 3 is this 2 root 3, yes. तो दो results आते हुए देख रहे हैं यहां से, y equal to minus 3 root 3 and y is equal to root 3. Please observe this, दोनों का product minus 9 है, दोनों का sum minus 2 root 3 है, yes. अच्छा, लेकिन आपको y की value 0 से लेकर 3 चाहिए, तो इन दोनों में से कौन सी value accepted है? ये वाली, ये नहीं accepted है. तो एक आंसर आपके पास y is equal to root 3 है, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. उसने क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में the person has said that sum of all the solutions of the equation this is, sum of all the solutions निकालना है आपको, ठीक है? तो जैसे ये equation बनाई थी उसी प्रकार अगर मान लीजिए y less than 0 हो जाए तो उस particular case में क्या बनेगी equation? Tan inverse t तो ठीक है, cot inverse 1 by t को मैं क्या लिख सकता हूं? Tan inverse t, cot inverse something को मैं tan inverse t plus pi लिखूंगा. अभी अभी देखा हमने, yes, next less than 0 के लिए this plus pi. अच्छा, is equal to 2 pi by 3 है, हाँ. ये कब होगा? जब t less than 0 है, that is 0 is greater than y is greater than minus 3, कुछ इस प्रकार. This is what you have, हाँ भी, modulus of y है ना, yes. तो y की value minus 3 से 0 लाई कर जाए उस particular case में. तो यहाँ पे 2 tan inverse t is minus pi by 3, या tan inverse t is equal to minus pi by 6. t की वैल्यू आ जाएगी minus 1 by root 3. t क्या है? Once again 6y upon 9 minus y square. अच्छा जी, तो 6y upon 9 minus y square is equal to minus 1 by root 3. 6 root 3 y is equal to y square minus 9 हो जाएगा, या y square minus 6 root 3 y square minus 6 root 3 y minus 9 equal to 0. This is the equation that I am getting. क्या जाएंगे ऐसे आंसर्स यहां पे देखिए ध्यान से. y square minus 6 root 3 y minus 9, इसको सिंपलीफाई करते हैं और y की वैल्यूज निकालते हैं यहां से. y is equal to minus b plus minus under root of b square. 6 square is 36 into 3 is 108, b square minus 4ac, minus of 4ac. So 4 into 1 into 9 is 36, so the minus will become plus 36 upon 2a. This is 144, under root of 144 will be 12, divided by 2, करेंगे तो 3 root 3 plus 12 by 2 is 6 और 3 root 3 minus 6. मैं ये 3 root 3 की approximate value क्या है? 3 root 3 is approximately 3 into 1.7 is 5.1. 5.1 is 6 positive हो जाएगा, ये rejected है, ये minus 0.9 लगभग रहेगा, इस वाले interval में लाई करा है, तो ये accepted है. एक answer ये और एक answer ये, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, sum of all solutions. Is equal to 3 root 3 plus root 3 is 4 root 3 minus 6. That's my correct answer for this question.
4√3 − 6. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आसान है, हाँ, काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे, दोनों के दोनों केसेस बराबर बनाएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. डिफिकल्टी रेटिंग की अगर बात की जाए तो दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग, 4 क्वेश्चन. दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है अगला सवाल? पोजिशन वेक्टर्स पॉइंट्स पी क्यू आर एस के दे रखे हैं आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? पॉइंट पी क्यू आर एस कोलिनियर नहीं, कोप्लानर नहीं है, ऐसा कह रहा है. बी प्लस 2D इज द पोजिशन वेक्टर पॉइंट विच डिवाइड्स पी आर इंटरनली इन द रेशियो. पूछ लेंगे, देख लेंगे अपन इंटरनली एक्सटर्नली किस पर डिवाइड कर रहा है. और स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी क्रॉस डी इज 95. अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब बी क्रॉस डी निकालना है, बी प्लस 2D/3 इंटरनली निकालना है, एक्सटर्नली निकालना है, और पॉइंट्स पी क्यू आर एस कोप्लानर है या नहीं ये पता करना है. राइट, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस, बट अदर देन दैट नॉट मच टू थिंक अबाउट ओवर हियर. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन वन बाय वन. सबसे पहले कोप्लानर है या नहीं, तो उसके लिए पॉइंट्स पी क्यू आर एस आपके पास है. ए वेक्टर, पॉइंट पी इज ए वेक्टर विच हैज डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली लिख लें इसके 1, 2, −5. पॉइंट क्यू हैज बी वेक्टर विच इज 3, 6, 3. C vector, which is point R, has direction ratios 17 by 5, 16 by 5, 7. Right? सब IJK हैं, IJK हैं, IJK हैं. 2, 1, 1. D vector is equal to, this is S point. Coplanarity अगर मुझे check करनी है तो सबसे पहले coplanarity की बात करते हैं. Coplanarity के लिए मुझे PQ vector चाहिए, PR vector चाहिए और पी एस वैक्टर चाहिए. तीनों वेक्टर्स निकाल के तीनों का एस टी पी चेक कर लेंगे. 0 आ रहा है तो कोप्लानर होंगे, नहीं आ रहा है तो कोप्लानर नहीं होंगे. दिस विल बी 2, 6 − 2 = 4 and 8. ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे. पी आर के लिए क्या है? 17 by 5 − 1 = 12 by 5. 16 by 5 − 2 = 16 − 10 = 6 by 5. 7 + 5 = 12. This is what you will get. And third one, 2 − 1 = 1, 1 − 2 = −1, and 1 + 5 will become 6. This is what you have. और इन तीनों का एस टी पी अगर मैं निकालूँ, इन तीनों का एस टी पी, तो एस टी पी कितना आ रहा है? ध्यान दीजिए, 2, 4, 8. 12 by 5, 6 by 5, 12, 12 by 5, 6 by 5, 12, 1 − 1, 6. This is what I'm getting. This is what I'm getting over here. अच्छा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. लेट्स फाइंड द वैल्यू ओवर हियर. क्या आएगा देखिए ध्यान से. जीरोस क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ, हम चाहें तो माइनस वन को इधर ऐड कर दें, यहाँ एक जीरो क्रिएट हो जाएगा. माइनस वन को 6 times करके इधर जोड़ दें तो यहाँ पे भी एक जीरो क्रिएट हो जाएगा. लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट. तो 4, 6 by 5, 1 को एज इट इज रहने देते हैं. सबसे पहले इसमें एज इट इज जोड़ देते हैं. तो इसमें एज इट इज जोड़ेंगे, दिस बिकम्स 4 + 2 = 6. ठीक है, 12 by 5, 6 by 5 will become 18 by 5 and 1 − 1 will become 0. What else? 4, 6 by 5 and 0, 1 as it is, sorry, −1 as it is रखेंगे. And 8, 12 और 6 के लिए क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ा, तो दिस बिकम्स अ 0. 6 से मल्टीप्लाई किया 36 by 5 और इसमें जोड़ा 36/5 + 12. 12 × 5 = 60 + 36 = 96/5 आएगा. और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 + 8 = 32. दिस इज व्हाट यू विल गेट. अच्छा जी, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, दिस टाइम्स दिस माइनस दिस टाइम्स दिस. क्या आ रहा है ये? 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये देख लेते हैं. 6 × 96/5 −18 × 32/5. दिस इज व्हाट यू हैव, राइट? तो 32 × 3 = 96, 6 × ओके, यहां से 3 का फैक्टर 6 × 3 = 18. अच्छा, ये तो प्रॉफिट 0 आ गया. यस, तो क्या ये कोप्लानर नहीं है? नहीं, ये कोप्लानर है. तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑब्जर्व. कोप्लानर नहीं है ऐसा वो कह रहा है. यहां तो हमारा कोप्लानर आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट? बी प्लस 2D इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ विच ऑफ दीज पॉइंट्स? बी प्लस 2 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स पी आर इंटरनली इन द रेशियो 5:4. पी आर को इंटरनली कौन सा पॉइंट डिवाइड करें ये देख लेते हैं. सिंगल करेक्ट है, पी आर को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं. पी आर को 5:4 रेशियो में डिवाइड करें, 5:4. अच्छा जी, तो 5 × 17, 4 × 1 = 17 + 4 = 21/9. 21/9 आ गया.
कॉमा, इंटरनली डिवाइड करें माइंड यू. सो 5 टाइम्स दिस प्लस 4 टाइम्स 1 अपॉन 5 प्लस 4 व्हिच इज 9. देन यू हैव 5 टाइम्स 16 बाय 5 व्हिच इज 16 प्लस 8 इज 24 अपॉन 9 आ गया वंस अगेन. एंड यू हैव 5 टाइम्स 7 35 माइनस 20 इज 15 अपॉन 9 ये आ रहा है. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. अच्छा b प्लस 2d अपॉन 3 कितना है ये भी निकाल लेते हैं. b प्लस 2d अपॉन 3 माइंड यू b प्लस 2d अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू व्हाट. b प्लस 2d इज 3 प्लस 4 7 बाय 3. देन यू हैव दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस 6 7 8 8 बाय 3 एंड यू हैव 3 प्लस 2 5 बाय 3. If you observe carefully, this are exactly same. किसे से इसको 3 by 3, इसमें 3 का factor काट दो, 7 by 3, 8 by 3 and 5 by 3 मिल रहा है. ये दोनों exactly same है. हाँ, b plus 2d upon 3 is the position vector point which divides PR internally in the ratio 5 to 4. वैसे देखा जाए तो हमें चारों options check करने चाहिए थे. पहला गलत, दूसरा सही आ गया. Single choice correct है, हमारा काम हो जाता है. आप चाहें तो externally check कर सकते हैं. Square of the magnitude of the vector B cross D भी check कर सकते हैं. B cross D का magnitude क्या आएगा? You can check that. B cross D I J K क्या है? 363211. This is what you have, right? Over here. So, I के साथ you get 6 minus 3 which is 3 I cap. J के साथ you get 3 minus 6 which is minus 3 which becomes a 3 J cap. Then you have 3 minus 12, which is 3 minus 12 will be minus 9 k cap. And magnitude of B cross D is square will be 9 plus 9 plus 81, which is 99. Is it equal to 95? No, it is not equal to 95. D is wrong. Or B correct hai, C wala aapko check karne ki zarurat hai, as such hai nahi fir. That is all that you have in this question. हाँ, सिंगल चॉइस करेक्ट है, नॉट मेनी थिंग्स एज सच, बट यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस चेक करने थे. दैट्स ओनली डिफिकल्ट थिंग. बाकी है कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, डायरेक्ट नोट्स से आए हुए क्वेश्चन. एज इट इज नोट्स में इस के क्वेश्चन करवाए गए एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता. जस्ट दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस एंड चेक. इसमें से सी बी और सी में से कोई सा एक आप चेक कर लेंगे तो आपका काम शायद बहुत आसान हो जाएगा सबसे पहले ही. तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. आप कहेंगे इजी टू मॉडरेट की तरफ. द डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.3 on a scale of 10. That's all that you have in this question.